मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने सोमवार को जाति आधारित गणना के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इस जनगणना के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास राज्य की कुल आबादी का 63% है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ ज्यादा है, जिसमें से 36% के साथ EVC सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद OVC 27.13% है। सर्वे में यह भी कहा गया कि OVC समूह में शामिल यादव समुदाय प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य में जनसंख्या के मामले में यह समुदाय सबसे अधिक है। बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना का आदेश पिछले साल तब दिया गया था जब PM मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वह आम जनगणना के हिस्से के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं कर पाएगी। राज्य में OVC की आबादी 27% है और SC की आबादी 19% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग की आबादी 1.68% है। राज्य में जनरल की तादाद 15.52% है। ब्राह्मणों की आबादी राज्य में 3.66% है। भूमिहारों की आबादी 2.86% है और यादवों की 14% है। कुर्मी समुदाय की जनसंख्या है 2.87%, जबकि मुसहर की आबादी 3% है। वहीं राजपूतों की आबादी 3.45% है। चलिए जान लेते हैं कि धर्म के आधार पर ये आंकड़े क्या कहते हैं। हिंदुओं की 10,71,92,958 आबादी है और उनके राज्य की आबादी में 81.99% हिस्सेदारी है। इस्लाम धर्म को मानने वाले राज्य में 2,31,39,925 लोग हैं, यानी 17.70%। इस्लाम धर्म को मानने वाले राज्य में 2,31,49,925 लोग हैं, यानी 17.70%। ईसाई धर्म को मानने वाले 75,238 लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी राज्य की आबादी में 0.05% है। सिख धर्म को मानने वाले 14,753 लोग हैं, जिनकी राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 0.011% है। बौद्ध धर्म को बिहार में 1,11,201 लोग मानते हैं, यानी 0.0851%। जैन धर्म को मानने वाले 12,523 लोग बिहार में हैं, जिनकी हिस्सेदारी है 0.00096%। अन्य धर्म को मानने वाले 1,66,566 लोग हैं, यानी 0.1274%। किसी धर्म को ना मानने वाले राज्य में 2,146 लोग हैं, यानी करीब 0.0016%। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।